गाइस तो यहाँ पर सोनू थोड़ा सा अपना एक्टिविटी करने लगा। तो गाइस मैंने जिस जानवर का बात किया था गाइस देखो बन गया सोनू क्या आना एकदम दूर तक जाना उत्तरी उज्जैन से अपना मार दिया। अबे तू कौन सा ब्लॉग बनाता तो बंक करके आए या फिर कॉलेज छुट्टी के बाद 500 रुपया भाई तो भाई पैसे तो बहुत है पर बेफिजूल नहीं कर ले मत करो मेरी जान लाइफ। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और गाइस फिर से आज हम लोग जा रहे हैं घूमने और आज का ट्रिप है गाइस पटना जू जहाँ पर का आज ब्लॉग हम लोग शूट करेंगे और अच्छे अच्छे सीन और अच्छे अच्छे सीनरी लेके और आज अपने ब्लॉग में पोस्ट करने का प्लान है। और आज भाई दो स्पेशल फ्रेंड जिनसे आप जल्दी नहीं मिले हो एक से मिले होगे मे बी पिछले पटना जगराते के ब्लॉग में एक से आप मिले हो बाकी केसवानी ब्लॉग से आप मिले को आनंद से मिले होगे कुछ लोग जो अगर जगराता ब्लॉग देखा होगा मेरा बाकी एक और मेरा भाई है ऋषभ मतलब दोस्ती हैं लेकिन हम लोग का भाईचारा चलता है गाइस। तो ऋषभ भाई भी आज जा रहे हैं हम लोग के साथ तो चारों बंदे जा रहे हैं गाइस जू और जू में आज अच्छे अच्छे क्लिप कलेक्ट कर रहे हैं गाइस तो मजा आने वाला है। तो गाइस एंड तक जरूर बने रहे और भाई आ चुका है नीचे तो गाइस चलते हैं नीचे उसके बाद फिर आपको ओवरऑल व्यू दिखाते हैं गाइस। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं हमारे केसवानी ब्लॉग हमको बोलते थे गाइस कि हम लेट करते हैं और ये देखो बंदे को 5 मिनट में आ जाऊंगा मैं। 5 मिनट से ज्यादा तुम लगाओगे भाई अभी तक रेडी नहीं हुआ नहा लियो लग नहीं रहा भाई भाई आनंद डायलॉग से ना हाँ। सो गाइस हमारे आनंद ब्लॉग आईफोन लेके आनंद भी घूम रहे हैं गाइस ये आनंद का आईफोन और इसी से आज ये ब्लॉग शूट करने वाला अपना। और आनंद अपना चैनल का नाम तो बता दे एक बार मैं भी इसी से वो रिव्यू होगा ब्लॉग ही में आप देखिएगा। तो गाइस इसका चैनल का नाम मत बताना अभी नहीं रिवील होगा गाइस आगे रिवील होगा तो जैसे आई देख लो 5 मिनट से ज्यादा लगाओगे लगा लो चैलेंज भाई देख रहे हो 5 मिनट में तो मैं तैयार होके आ जाऊंगा भाई अपना ठीक है चलो ये भी देख लेते हैं। नहा चुका हूं भाई आनंद नहाया वो लग रहा है भाई हमको भी नहीं लग रहा भाई नहीं रहा जब आएंगे तब देखना कितना मस्त लगेगा। तुम अभी जाओगे अभी तुम नहाओगे गारंटी ले लो अच्छा ठीक है ये भी देख लेते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग का कैब आ चुका है और हम लोग निकल चुके हैं पटना जू के लिए और हमारे साथ है हमारे ऋषभ भाई आनंद और इधर है सोनू और हमारे कैब वाले भैया जो हमें ले जा रहे हैं पटना जू महादेव भैया। तो गाइस अब आगे का सिनेमैटिक आप लोगों को दिखाते हैं उसके बाद फिर पटना जू का पूरा सीन दिखाएंगे गाइस आज बहुत मजा आने वाला है तो गाइस एंड तक बने रहो तभी भाई पूरा मजा एंजॉय कर सकते हो हम लोग के साथ मतलब बॉस टाइप का रंगदार डॉन अगला स्टेटस रहेगा ये तेरी यादों ने मुझको रुला दिया अरे कहीं कभी डाल लेना चाहिए गाइस हम लोग जू पहुंच गए हैं तो अब यहां से हम लोग जू में एंट्री करेंगे भाई बहुत कांड भी हो चुका है हम लोग का प्लान था कुछ और मतलब हम लोग जब कैब बुक किए थे तो गाइस गलत लोकेशन डालने की वजह से मतलब मिस्टेक मेरे से ही हुआ था लोकेशन गलत डालने की वजह से भाई थोड़ा फेयर भी कम दिखा रहा था हम लोग कुछ अलग ही एस्टिमेट लेकर चल रहे थे बट यहाँ पर सारा चीज चेंज हो चुका है बट फिर भी जू पहुँच गए तो अब यहाँ से आगे का सीन थोड़ा क्लिप भाई भीड़ बहुत ज्यादा हद से ज्यादा भीड़ है भाई और बहुत अच्छे अच्छे सीन भी मिल रहे हैं आनंद सीन तो बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं भाई अभी अंदर और अच्छे दिखेंगे अभी और अंदर अंदर अच्छे अच्छे सीन दिखेंगे गाइस तो यही देखने आए हैं यही शूट करने आए हैं तो शूट करेंगे भाई मजा आने वाला है बहुत ब्लॉग के एंड तक बने रहो भाई लोग गाइस यहाँ से अब सोनू जा रहे हैं हम लोग का टिकट लेने तो गरीब आदमी और तू भाई केसवानी कब से गरीब हो गया गाइस फाइनली हमने टिकट ले चुका है अपना और सबके पास यार सबका अपना अपना टिकट है तो अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर जू में। तो गाइस हमने ले लिया एंट्री अब यहाँ से हम लोग सारा सीन शूट करेंगे फाइनली जू का पूरा एक्सप्लोर करेंगे गाइस कि आज क्या क्या यहाँ पर करते हैं हम लोग भाई मज़े तो आने वाले हैं बहुत
बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन भी मिलने वाले हैं भाई, सब देख रहे हैं जब ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम लोग, तो भाई बहुत मजा आ रहा है। अब आप लोग को भी थोड़ा मजा देते हैं, रुक जाओ। जू बदनाम है कि सिर्फ यहाँ पर कपल्स आते हैं भाई, बच्चे और फैमिली मेंबर्स भी आते हैं, तो ये मत समझना कि सिर्फ कपल ही आएंगे और फ्रेंड्स भी आते हैं, जैसे हम लोग आए हैं चार बंदे, वैसे ही गाइस फ्रेंड्स भी आते हैं, तो बस बदनाम मत किया करो यार, बस वक्त वक्त की बात है और कुछ नहीं। क्या रही सब, बस वक्त की बात है। यहाँ जानवर से ज्यादा गाइस कुछ और दिख रहे हैं, तो पहले उस पर फोकस करते हैं, बाद में आपको जानवर दिखाएंगे, उसके बाद जानवर के साथ वाले जानवर दिखाएंगे। किसके साथ आया था सोनू? मैं आया था, मैं अपने बंदे लोग के साथ। बंदे? अभी तो तुम कुछ और बोल रहे थे, किसी और के साथ आए थे। प्राइवेट बात है ना, प्राइवेट बात। मैं कोटा का जू में गया था। अभी तो तुम कुछ एन से बोल रहे थे, किसके साथ आए थे? एन नहीं थी भाई, भीत। एन? एन या भीत? डिसाइड कर लो। डिसाइड कंफर्म है। जो स्टोरी लगाते उसी के साथ ना, बाकी तो समझदार है, समझ ही जाएंगे आज सोनू किसका स्टोरी लगाता है। भाई जब हम लोग छोटे थे तो कभी स्कूल वाला कहीं ट्रिप नहीं ले गया यार, और जब दूसरे स्कूल के बच्चे सबको देखते हैं यार कि वो लोग के स्कूल वाले ट्रिप ले जाते हैं, तो भाई थोड़ा दुख होता है यार, बट फिर भी अब कर क्या सकते गाइस, 12 पास आउट हो गए, अब देखते हैं आगे कहीं हमें ट्रिप मिलती है या वहाँ भी ऐसे ही झक मार के हम लोग बस पास आउट होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सोनू यहाँ पर थोड़ा सा क्या है भाई, अडॉप्टेड भाई, भाई ये नाम क्या है इसका, जो भी है भाई, ये बर्ड को देख सकते हो यार कितना मस्त लग रहा है, वाइट मोर। अच्छा हाँ गाइस ये वाइट मोर भाई बहुत क्यूट लग रहे गाइस। गाइस तो यहाँ पर सोनू थोड़ा सा अपना एक्टिविटी करने लगा, तो गाइस पहले जिस जानवर की बात किया था गाइस देखो बन गया सोनू। सोनू बहुत अच्छा लग रहा था जब उल्टा हुआ, तो हमारे भी कुछ चिंपांजी घुस गया, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ जू में। अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो गाइस फाइनली हमने एक बहुत बड़ा डिस्कवरी किया, पटना जू में एक गुफा भी था, हम लोगों को पता भी नहीं है, अभी हम लोगों को मिला तो थोड़ा एंटर कर रहे हैं। सो गाइस देख रहे हो गुफा का गेट, भाई पूरा डेंजर फील आ रहा है भाई, देख रहे हो पूरा अंदर सीन, देखो गाइस पूरा एकदम ऐसा बनाया हुआ ना भाई, ये बनाया हुआ गुफा है, बट लग नहीं रहा कि ये गुफा बनाया हुआ है, लग रहा है जैसे बहुत पहले से ये गुफा यहाँ पर था, बट भाई पूरा बनाया हुआ, देख रहे हो इसकी छत देखो गाइस प्लास्टिक से ढाली हुई है, बट बहुत अच्छा लगा गाइस देख के। और अभी हम लोग ट्राई करेंगे ऊपर चढ़ने के, देख रहे हो गाइस ऊपर सीन, तो हम लोग का कोशिश है ऊपर चढ़ने का, बट सोनू चलिए नहीं, भैया ने मना कर दिया 500 रुपया फाइन, तो भाई पैसे तो बहुत है पर बेफिजूल नहीं खर्च करना। बेफिजूल क्यों खर्च करने गाइस, जब मना करते हैं तो उनका बात सुनना चाहिए। बात सही है ऋषभ, यहाँ सब नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से हम तुम्हारे एग्री इस बात से सॉरी यहाँ से। सो गाइस हम लोग गुफा का डिस्कवरी कर दिए, अब यहाँ पर हम लोग का नाम आएगा, बट हम लोग को नाम नहीं चाहिए, इस वजह से हम लोग अपना नाम नहीं इसको दिलवाएंगे, ये जू को ही गुफा रहने देते हैं, और ना बाद में सब बोलेगा सोनू ऋषभ अभिषेक और आनंद का डिस्कवर किया हुआ गुफा है, आज वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, बार बार हमारा नाम आएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। क्या शर्मा जी, फिर शर्मा जी ब्रो, मैं शर्मा जी नहीं हूँ गाइस, तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं, ये हम लोग का सीक्रेट टॉप गाइस, ये गार्डन हमारा, यहाँ हमारा नहीं है, जू का गार्डन है भाई, पूरा 3D यार, और यहाँ पे 3D के साथ गाइस सब चीज देखने को मिलेगा गाइस, से 3D नहीं, यहाँ पर कॉलेज ट्रिप आया हुआ है, बट हम लोग का कुछ ट्रिप नहीं आता। गाइस इतने तरीके बटरफ्लाई होते हैं, आपको पता है या नहीं, मुझे तो गाइस नहीं पता था, थोड़ा बहुत बटरफ्लाई इसमें से देखा हूँ मैं, बट देख रहो कितना वैरायटी है गाइस बटरफ्लाई के। गाइस तो यहाँ पर सोनू इस पर लटकने का प्लान कर रहा है, देख रहो, ओ भाई साहब
ओ तेरी। ये देखो गाइस सोनू का मस्ती चल रहा है गाइस, ये होता है ये होता है बचपन में स्कूल का ट्रिप नहीं ले जाने का नतीजा। अगर ये बचपन में इसको स्कूल से ट्रिप गया रहता तो गाइस अभी ये लोग ये सब काम नहीं करते। अब आनंद यहाँ से अपना वो वीडियो बनाएगा झूले पे झूलते हुए। भाई ये झूला पे झूलने में भाई बहुत मजा आता है। और गाइस आनंद यहाँ पर गया, आनंद एकदम दूर तक जाना उत्तरी, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये तो बोलते हैं गाइस झूला करो अच्छा से, ज्यादा लंबा गाइस ये तो इतना लंबा हो गया कि शुरू होते ही खत्म हो जा रहा है। सब्सक्राइब कर देना ब्रो, सब्सक्राइब कर देना पहले। चैनल का नाम तो बता, अभी तक रिवील नहीं किया तुम मेरे में। मैं रिवील करूंगा ही नहीं अभी, करेगा ही नहीं क्योंकि गाइस अभी ये पूरा बिगनर है, इस वजह से वो थोड़ा हेजिटेट हो रहा है अपना चैनल को रिवील करने में। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ उस पेड़ के डाल पर झूला झूलने, तो अपना थोड़ा वीडियो बनवा लेता हूँ। अब सोनू गया है तो उसके बाद मैं जाता हूँ, थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ अपना भी थोड़ा सा वीडियो ले लेता हूँ, क्योंकि गाइस मैं भी तो नहीं गया हूँ, मेरे भी स्कूल वाले तो मुझे नहीं ले गए ट्रिप पे कभी। तुम झूल लिए गाइस, तो देख रहे हो झूलने के बाद सोनू का कितना बड़ा खुशी। अरे भाई इतना ही में खत्म हो गया, हाथ दर्द दिन लगा यार, मजा तो बहुत आएगा इस, लेकिन बहुत हाथ दर्द दिन लगा है भाई। और मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया आनंद, थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। हाउ मेनी मनी गिव मी, हाउ मेनी मनी यू गिव, अच्छा मनी। हम सोचे कि भाई ये कौन सा इंग्लिश बोल दिया आनंद, 10 रुपीज, नो 10 डॉलर, यस भाई उतना तो पेमेंट भी नहीं बना। गाइस तो यहाँ पर आनंद पूरा सीन ही क्रिएट कर दिया भाई, वो लोग जब लड़की लोग वहाँ पर खड़ी थी तो ये अपना वीडियो बनाने लगा और तारीफ कर दिया कि गाइस गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी इससे आईडी पूछी और सारी चीज, ओ वहाँ बुला रही है। सो गाइस अभी वो लोग बुला के सबका आईडी पूछ रही है, अभी देखो अपना किसवानी अपना आईडी देने जा रहा है। तो इन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और गाइस ये लोग बहुत फ्रेंडली है, हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोला तो ये लोग ने कर दिया। और क्या चाहिए भाई हम लोग को, अब यहाँ पर इंस्टाग्राम भी से मेरा सब्सक्राइब करने दो ना भाई, मेरा तो सेम चैनल का नाम है। ये सब लड़की देखता नहीं कि मैं उज्जैन से अपना मार दिया। अबे तू कौन सा ब्लॉग बनाता बता तो? मतलब देख रहे हो दोस्त, वो ब्लॉग के लिए इंस्टा आईडी मांगी नहीं, पूछ लो देखने के लिए, मतलब ब्लॉग नहीं आना, कब बनाया हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे दो, दे दिए तो दे दो। गाइस तो अपना रिसर्व आईडी सर्च कर रहा है, आपका नेट नहीं काम कर रहा, तुम्हारा किस्मत काम नहीं कर रहा भाई, और कुछ नहीं, नेट तो एक माल है। गाइस रिसर्व का किस्मत यहाँ काम नहीं कर रहा है क्योंकि नेट तो एक माल है। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, रिसर्व भाई डिमोटिवेट हो गया इसका जब आईडी सर्च में नहीं आया। सोनू कैसा लगा अपना आईडी देखे? आईडी देखे क्या, ठीक है यार। अच्छा तुम यूट्यूब भाई, यूट्यूब आईडी दिया वो ठीक था, अरे इंस्टाग्राम आईडी क्यों दिया? मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं था उन लोगों के अकाउंट में। अच्छा ऐसे दे दिया। अरे भाई हम लोग गेट नंबर 2 पे आ गए शायद, तो भाई हम लोग घूमते घूमते गेट नंबर 2 पे पहुंच गए, अब फिर से हम लोग को अपना आगे निकलना है। और गाइस यहाँ पर देख लीजिए क्या सीन हम लोग ने क्रिएट कर दिया, हम लोग ने नहीं गाइस आनंद ने वो सीन क्रिएट किया, वरना तो गाइस वो सीन तो होता नहीं। उड़ा भी दिया, उड़ा भी दिया, ये कैद करके नहीं रखना चाहता किसी को, वही तो। उल्ले नाम आ गया गाइस, करो मेरी जान लाइफ में कुछ अच्छा करो, आप बोलो सोनू, अब तो रिवील हो गया, क्लिप प्ले कटेगा भूल जाओ, क्लिप प्ले कटेगा। पहुंच गया ना चाहते हुए आनंद ने सोनू के एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ले लिया, लेकिन आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा वहाँ पे, आप लोगों से भी मिलेगा। बोलता मेरी आज भी वही है, अच्छा आज भी उसके तरफ से नहीं है पर मेरे तरफ से आज भी, भाई वन साइडेड है, सिर्फ वन साइडेड, वन साइडेड नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, ऑल्टा परमानेंट है गाइस, वन साइडेड परमानेंट।
सो गाइस हम लोग तो बोट के पास पहुंच गए और बोट ये भी यहाँ अवेलेबल है, बोट अवेलेबल है तो गाइस सब तो मजा आएगा। सो गाइस फाइनली टिकट लेने और ये लोग हमारे चैनल का मजाक उड़ा रहे थे कि गाइस भूपेंद्र जोगी ब्लॉग बना रहे हैं, ये वो आनंद उसमें ब्लॉग में लेने लगा और ये भूपेंद्र देवी जो अपना फेस को हाइड कर रही है। अरे ये क्या कर रहा है, कॉलेज में के है अपने कॉलेज के कौन कॉलेज के सोनू कॉमर्स को उत्तरी। गाइस तो सोनू के फ्रेंड में मिल चुके हैं, फ्रेंड नहीं भाई अच्छा जूनियर, गाइस सोनू के जूनियर मिल चुका है, यहाँ पर भी जू में घूमने आए और टिकट ले रहे हैं बोट का। गाइस तो भैया अभी टिकट नहीं, दो सीट नहीं चाहिए, चार सीटर। गाइस तो यहाँ फोर सीटर बोट अभी अवेलेबल ही नहीं है तो हम लोग को अभी थोड़ा वेट। भूपेंद्र जोगी, भूपेंद्र जोगी। सो गाइस फाइनली हमने मिल लिया भूपेंद्र जोगी से और देखिए हमारे कॉमर्स के लैब्स के विद्यार्थी सबको हैशटैग भूपेंद्र जोगी सब 11th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है। हां बच्चा वही 11th वाला बात नहीं हुआ। तो बंक करके आए हो या फिर कॉलेज छुट्टी के बाद? अच्छा एग्जाम चल रहा है। तो गाइस बोट के इंतजार में अभी कब से इंतजार ही चल रहा है और कुछ नहीं क्योंकि बोट तो यार आधा घंटा से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक बोट हम लोग को अब मिला नहीं, फोर सीटर अवेलेबल हुआ नहीं अभी तक। सब देख रहे हो, सब बोटिंग ही कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं हमारे पीछे सात समुंदर। सात समुंदर कौन सा समुंदर है सोनू? हमारे पीछे सात समुंदर है, पटना जू का सात समुंदर। सात समुंदर किसके लिए? किसके लिए? कोई तो होगी। आनंद फिर से बोलना चाहोगे किसके लिए? अरे यार आनंद क्या बोले थे यार उस टाइम बताओ ना भाई, इसको बुरा लग जाएगा। सोनू का गाइस क्यों किसी का नाम लेना, यहाँ से व्यू चेक करो। गाइस पे यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि कहाँ तक हम लोग जाएंगे बोट से घूमने के लिए, वो लोग बोल रहे हैं कि वो कॉर्नर जो है ना वहां तक जाने के लिए, बट देखते हैं अब कहां तक जा पाते क्योंकि यार पैंडल बहुत मारना रहता, इतना पैंडल मारना रहता कि भाई वाट हालत खराब हो जाता है। अगर जो अच्छे जिम वाले बंदे गाइस वो तो मार लेंगे बट हम लोग तो कोई भी जिम नहीं करते। मेरा हालत खराब नहीं होगा, मेरा भी हालत खराब नहीं होगा, नहीं हो मेरा भी नहीं होगा। आप भी जिम हम भी लो अभी कह रहे हालत खराब नहीं होगा पर होगा, मेरा अनुभव कहता है ब्लॉग में मैं बहुत अनुभव पे लिया रही हूं। गाइस मेरा भी नहीं होगा क्योंकि हम भी जिम करते हैं गाइस, थोड़ा बहुत देख लीजिए लो जिम बिना जिम लगा लो चैलेंज। इसके पास फैमिली पैक है, मेरे पास सिक्स पैक है, जिम ये सब जिम करता है गाइस हल्के में ले रहा है। अच्छा खुद आप लोग ब्लॉग में देख ही लीजिएगा। हाँ गाइस कौन लेकर आता है बोट गाइस दिखाना पड़ेगा लगता है, आज दिखाई देते हैं आज अपना पावर।